हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ। और मैं हूं आपका दोस्त लखन चौधरी। आज फिर पेश हूं मैं एक नए टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तो दोस्तों, आज हम फिर जिक्र करने वाले हैं आज अपने जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इम्पोर्टेंस हमारे आसपास होने वाली चीज़ें होते हैं उनके बारे में हम आज फिर जिक्र करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैंने जो वीडियोज़ बनाई हैं वो हमारी हेल्थ केयर से ही रिलेटिव हैं सारी वीडियोज़। जिस मेरे दोस्त ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार जाके देखिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए, आज हम आपको बता देते थे कि आज हमारा टॉपिक कौन सा है। आज का टॉपिक है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अब जैसे कि वेस्ट का नाम आ रहा है तो आपके दिमाग में पहले ही आ गया होगा कि एक बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। एक्चुअली जो हम हॉस्पिटल या किसी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उससे निकलने वाला जो कचरा होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी होती है इन्फेक्टेड वेस्ट और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट। अब इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड से आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो एक्ट था उसके बारे में बता दें, वो कब से लागू हुआ था। वो हुआ था 28 जुलाई 1998 में वो लागू हुआ था। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसको लागू किया था। और इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, तो हम उनको स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको आज बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आइए देखते हैं, करते हैं, लेट स्टार्ट। तो दोस्तों, आज जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप बताना। देखिए, इसके अंदर हम बेसिकली हम दो कैटेगरीज बनाई हैं। एक होती है इन्फेक्टेड वेस्ट मैनेजमेंट और एक होता है नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड में हमारे कितने हमने कलर हम जो हमारी जो कैटेगरीज होती हैं वेस्ट कैटेगरीज होती हैं, हम उनको कलर कोडिंग बेस पे हम उनको डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारी पहले हम उसमें अलग अलग टाइप्स के कलर बैग्स जो होते हैं, जो हमारा कचरा होता है, जो भी हमारा वेस्ट होता है, हम उसको उसमें कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम उसको कैसे डिस्पोज करते हैं, उसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको फर्दर अपने स्टेप्स बाय स्टेप्स बताता चलूँगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो पहला जो कलर बैग होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। वो होता है हमारा येलो कलर बैग। जो होता है उसमें क्या होता है, मोस्टली जितना भी हमारा हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, हॉस्पिटल या फिर हमारे पैथोलॉजिकल वेस्ट होता है, वो सभी हमारा जो येलो बिन या येलो कलर बैग जो होता है हम उसमें कलेक्ट करते हैं। जैसे कि अब येलो कलर बैग में हमारे क्या होगा, जितना भी हमारा एनाटोमिकल वेस्ट, बॉडी पार्ट्स, टिश्यूज़ और ये सारी चीज़ें हमारे हम उन येलो कलर का जो बैग होता है हम उसमें करते हैं। येलो कलर बैग जो होता है या हमारा जो डस्टबिन होता है उसके ऊपर हम सी यानी कि साइटोटॉक्सिक भी लिखा होता है, क्योंकि उसमें जितना भी एनाटोमिकल वेस्ट होता है हमारा सब उसी के अंदर जाता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है इसको हम इंसिरेशन करते हैं। जो हमारा वेस्ट कलेक्ट होता है उसको हम जब फर्दर आगे भेजते हैं तो उसको ट्रीट किया जाता है, इंसिरेशन के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। देन फिर क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ हमारा इतना ही नहीं होता, इसके अंदर हमारे जितने भी एक्सपायर्ड मेडिसिंस होती हैं और जितने भी हमारे मास्क होते हैं और हेड कैप होते हैं, ये सारा हमारा इसी के अंदर वेस्ट जाता है। कॉटन्स होती है, अगर यूज्ड कॉटन है वो भी हमारा इसी के अंदर जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी मेडिकल से पैरामेडिकल या स्टाफ नर्स जितने भी दोस्त हैं मेरे, सभी को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है और करना ही पड़ता है अगर आप एक हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने बताया कि हमारा जो येलो कलर का बैग होता है उसमें कौन कौन सा हम जो हमारा वेस्ट होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, इसका हमने आपको ट्रीटमेंट भी बता दिया। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे नंबर कैटेगरी आती है दो, उसमें होता है रेड कलर का बिन होगा या फिर रेड कलर का हमारा बैग होगा। रेड कलर के बैग में हम क्या करते हैं, उसमें हमारा जितना भी ब्लड से इन्फेक्टेड जितना भी हमारी चीज़ें होती हैं हमारे रेड बैग्स में जाएंगे,
जैसे हमारे आईवी सेट्स, कैथेटर्स और सिरिंज, और उसमें और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारे कंटेनर्स होते हैं, हमारे यूज कंटेनर्स होते हैं, एनजी ट्यूब्स, यूज्ड ग्लव्स, कि बाकी जितने भी हमारे स्पेसमैन कंटेनर्स होते हैं वो ये सभी हमारे इस रेड बैग में जाते हैं। एंड इसका ट्रीटमेंट क्या, इसका ट्रीटमेंट होता है ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग या फिर केमिकल प्रोसेस से हम इनको रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। तो ये था ट्रीटमेंट रेड कलर बैग का। इसके बाद बात करते हैं हम ब्लू कलर बैग का। ब्लू कलर जो बैग होता है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो हमारी ये WHO की गाइडलाइंस थी उससे पहले 2016 का होता, उसके बाद कुछ इसमें करेक्शन किया गया था, जो बायोमेडिकल वेस्ट है मैनेजमेंट है उसमें कुछ करेक्शन किया गया था। तो जो न्यू बायोमेडिकल वेस्ट जो लॉन्च किया है मैं उसी के बेसिस पे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान देना। अब बात करते हैं हम ब्लू कलर बैग, जो ब्लू कलर बैग जो होता है उसमें क्या क्या हम कलेक्ट करते हैं। ब्लू कलर बैग जो होता है उसमें बेसिकली हम जितनी हमारे ब्रोक ग्लास वेयर होते हैं, ब्रोकन ग्लास होता है, और क्या कहते हैं ब्लड से इन्फेक्टेड कोई भी हमारे प्लास्टिक चीज़ें होती हैं वो सभी हम उसके अंदर डिस्कार्ड करते हैं, और कोई भी ग्लास वेयर, किसी भी टाइप का ग्लास होता है जो ब्रोकन ग्लास होता है, हम उसको उसी में ही डिस्कार्ड करेंगे। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट भी ऑटोक्लेव माइक्रोवेव के द्वारा इसको भी हम डिसइन्फेक्ट करके इसको डिस्पोज करते हैं। इसके बाद हमारी जो कैटेगरी होती है वो होती है वाइट कंटेनर या वाइट कलर बैग। जो वाइट होता है बेसिकली क्या होता है कि पहले ही दो वाइट और ब्लैक कलर की जो नहीं सॉरी वाइट और शार्प कंटेनर जो था, वाइट कलर का शार्प कंटेनर था, ये एक कैटेगरी थी, वाइट और ब्लू एक साथ ही थे, बट अब क्या हुआ इन दोनों को अब सेपरेटली अलग अलग कर दिया गया है। तो इसलिए वाइट कलर जो कंटेनर है, इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर हमारे जितने भी ब्लेड नीडल्स होती हैं और जितनी भी हमारी शार्प चीज़ें होती हैं, जैसे ब्लेड हुआ और कटर्स होती हैं, उस टाइप के जितने भी टोटल इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे शार्प इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सभी इस हमारे शार्प कंटेनर यानी कि वाइट कलर के बैग में जाएंगे। अब ये तो बात ही दोस्तों इन्फेक्टेड जो वेस्ट था हमारी, उसकी जो हमारे इन्फेक्टेड बायोमेडिकल वेस्ट था वो इसकी बात कर रहे थे हम। अब बात कर रहे हैं हम नॉन इन्फेक्टेड। नॉन इन्फेक्टेड क्या होता है, नॉन इन्फेक्टेड वो होता है जिसे इन्फेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ जी, ऐसा जरूर ऐसा होता है, जो हॉस्पिटल के अंदर ऐसा भी होता है कि नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट होता है जो कि हम ब्लैक कलर की कैटेगरी में रखते हैं। जो ब्लैक कलर का बैग होता है हमारे, उसमें जैसे हमारे पेपर हुए, ऑफिशियल वर्क जो पेपर होते हैं, पेपर होते हैं हमारे, वाटर बॉटल्स होती हैं, और हमारा फूड हुआ, ये सारी चीज़ें हमारी नॉन इन्फेक्टेड में आती हैं। अब इस कैटेगरी को हम नॉन इन्फेक्टेड में रखते हैं। तो ये था हमारा टोटल अभी तक का बायोमेडिकल वेस्ट का डाटा जो हमने आपको बताया है, और कलर बेसिस पे बता दिया जितना भी था। एंड इसके बाद हम बात करते हैं, आपको आपने ये दो सिंबल देखे होंगे, एक सिंबल होता है आपका बायोहैजार्डस और एक होता है साइटोटॉक्सिक। ये दोनों ही खतरनाक होते हैं। जो बायोहैजार्ड नॉर्मली जितने भी हमारे बिन होते हैं या बैग्स होते हैं उन पे ये वाला बायोहैजार्ड्स मिलेगा, और जितने भी एनाटॉमिकल जो कि हमारे पैथोलॉजिकल वेस्ट होता है उसके अंदर हमारा ये साइटोटॉक्सिक मिलेगा, जिसमें बॉडी पार्ट्स, बॉडी प्लेसेंटा वगैरह और जितने भी हमारे हिस्टोपैथिकल और साइटोलॉजिकल जो हमारा वेस्ट होता है वो सब भी इसी के बिन के अंदर जाता है, और ये येलो कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज तक का बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और छोटी जानकारी थी, मैं ज़्यादा इसको ब्रीफली करना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि डिटेल ये काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर हम इसको डीपली इसकी स्टडी करें। तो अभी मैंने छोटे से ही अपनी वीडियो में इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ एक शेयर और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।